कल मैंने पढ़ा दिया था रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो आपका टॉपिक क्या है, बेसिक मैम कितने प्रैक्टिसेस। नोटबुक में, ये यस, नोटबुक में आपको, लिखना है? हाँ आपको नोट डाउन करना है। आप उसके बाद अपनी नोटबुक अच्छे से बना लीजिएगा, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए। ओके, मैं आपको लिखने का टाइम दे दूंगी। तो बेसिस अनम्यूट प्रैक्टिसेस। यस, व्हाट हैपेंड कर बेटा? अनम्यूट, अनम्यूट नहीं करेगा कोई भी, आप म्यूट रखिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप अनम्यूट कीजिए और फिर आप मुझे बताइए, ठीक है? देखो, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की मतलब, अगर आप किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हो तो कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन से, आप ये सोच सकते हो कौन कौन से कार्य हैं जो आप करोगे, ठीक है? आप सबसे पहले, आपको ये पढ़ने से पहले एक डेफिनेशन का पता होना चाहिए, दैट इज एग्री कल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, ये क्या जी है, एग्री कल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, बोल देखो, अब आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को जब आप पढ़ोगे तो आप इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, कि द वेरियस टास्क, आप इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, द वेरियस, रहे ये कीप क्वाइट, द वेरियस टास्क मैं परफॉर्म्ड भी बाय ए फार्मर टू गेट परफॉर्म्ड ए गुड क्रॉप क्रॉप। ओके, आप क्या बोलोगे, दैट द वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाय ए फार्मर। आप लोग क्या करते हो, जब आप लोगों के एग्जाम्स बहुत ज्यादा पास आते हैं तो आप लोग बहुत हार्ड वर्क करते हो। वो हार्ड वर्क क्यों करते हो, ताकि आपके जो एग्जाम्स हैं वो अच्छे हों और आपके रिजल्ट अच्छे आए, ठीक है? लाइक वाइज जो फार्मर है वो भी क्या कर रहा है, बहुत ही मेहनत करता है, अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है, क्या करने के लिए, एक बहुत ही अच्छी फसल को पाने के लिए। एंड इसे ही एग्री हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर एग्री, प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर यस, प्रैक्टिस, एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सभी को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन क्लियर है स्टूडेंट्स? यस दिस मैम, डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, फाइन यस फाइन मैम, फाइन, ओके, तो यस मैम, शैल वी कंटिन्यू? देखो, अब हम मैम, आगे क्या पढ़ते यस हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं बेटा, कि एक्चुअली हमने ये तो बोल दिया कि जो किसान है वो काफी टाइप की चीजें करता है, काफी टास्क करता है, अगर उसको अपनी फसल को बहुत अच्छा बनाना है तो। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछ लेता है कि मान लीजिए हमने एग्जाम दिया, हमने मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की, बट हमने साइंस में एक भी चैप्टर रीड नहीं किया, तो क्या आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे? नो मैम, मान लीजिए नो मैम, नो मैम, टोटल आपके नो, पास फाइव सब्जेक्ट हैं। ओके, आपने क्या किया, दो सब्जेक्ट्स थे उनकी जो प्रिपरेशन थी वो बहुत अच्छे तरीके से की, लेकिन बाकी के जो तीन सब्जेक्ट थे आप लोगों ने उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं की, तो दैट मीन्स कि आपकी जो परसेंटेज है वो अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है? तो वैसे जाएगी ही कम जाएगी, बहुत अच्छी नहीं बनेगी। तो वैसे ही किसान है, उसको काफी नहीं ऐसी स्टेप करनी होती हैं जिससे उसकी फसल अच्छी होगी। अगर वो एक भी स्टेप को मिस कर देता है तो उसकी फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है या फिर बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है? तो वो प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं वो सुनो। सबसे पहली जो प्रैक्टिस है वो है हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ऑयल, सबसे पहली क्या है, प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद जो हमारी सॉइल, सेकंड प्रैक्टिसेस है वो हमारी क्या है बेटा, शॉइंग। सोइंग, एक्चुअली जो शॉइंग है, आप किसकी शॉइंग करोगे, मतलब शॉइंग का मतलब, मैंने आपको, सीड्स यस, की, शॉइंग का मतलब सीड, क्या होता है बेटा हिंदी में, एक तरीके से बोना,
बोना। आप क्या करोगे जो शोइंग है और किसकी करोगे शोइंग? सीड्स की करोगे आप। सीड्स उसके बाद आप क्या कर, यस शोइंग ऑफ सीड्स। थर्ड प्रोसेस आप जो परफॉर्म करोगे, आपने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अरे सुन लो उसके बाद आप क्या कहते हो जो भी खाद होगा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो आप क्या करोगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके अब क्या करते हो कि जो भी आप मैन्योर है वो ऐड करते हो और जो भी फर्टिलाइजर है वो ऐड करोगे। आप लोगों को मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करने की रिक्वायरमेंट क्या हुई? ओके देखो बेटा, सोइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, सोइल को फर्टाइल बनाने के लिए। यस यस एग्जैक्टली यस टेल मी यस 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 यस। देखो आप हाँ बिल्कुल आप सारे स्टूडेंट सही हो, एक बार मेरी बात सुनो। आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या की, क्रॉप को ग्रो किया ठीक है, और जो सॉयल थी वो आपने हमेशा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक खेत है ठीक है, आपने क्या किया उस खेत में बार बार क्रॉप्स को ग्रो किया। जब आप क्या करते हो, रिपीटेड ग्रोइंग करते हो क्रॉप्स की, मतलब जब आप उसको बार बार ग्रो करोगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारी यस 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 कि जो हमारी सॉयल की फर्टिलिटी है, यस जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी ठीक है, डिक्रीज की, एक तरीके से ये समझ लीजिए डिक्रीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब उसकी वजह से क्या होगा कि मान लो अगर हमें इसी सॉइल में किसी और प्लांट को ग्रो करना है, तो क्या वो प्लांट जो ग्रो कर रहा है, क्या वो क्रॉप जो ग्रो कर रही है वो हमारी अच्छे से ग्रो कर पाएगी? No, ma'am. नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि जो भी हमारे प्लांट्स हैं, जो भी हमारी क्रॉप्स हैं, उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए ठीक है। न्यूट्रिएंट्स लाइक कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कोई बता, कोई भी स्टूडेंट बताएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, एग्जैक्टली। आप जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी क्रॉप को ग्रो करने के लिए चाहिए वो कौन कौन से होते हैं, लाइक नाइट्रोजन हो गया ठीक है, पोटाशियम हो गया, ओके, फॉस्फोरस हो गया, ये सब फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारे हैं। ये सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये जब तक हमारी क्रॉप को नहीं मिलेंगे हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। तो अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, दैट माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, बताइए आप ट्विंकल इट गिव्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। आप लोग सिर्फ अगर इतना सा आंसर इसका लिख दोगे कि इट गिव्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, सो उसकी वजह से क्या होगा, अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यस यस बेटा सब कुछ नोट करना है मानविक। अब जो भी मैं लिख रही हूँ आप एक एक चीज नोट डाउन करोगे, ओके
अगर मैं आपको रीजन बता रही हूँ आप रीजन नोट डाउन करोगे, क्वेश्चन बता रही हूँ क्वेश्चन नोट डाउन करोगे, सब कुछ नोट डाउन करोगे. सो इट गिव्स अ सेंस. एग्जांपल दे रहे थे क्रॉप्स का, वो भी नोट डाउन करना है. हाँ वो सब कुछ नोट डाउन करना है, ठीक है. सो इट गिव्स असेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. अगर हमारी सॉइल में असेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं तो दैट मीन्स वी गेट गुड क्रॉप. उसकी वजह से हमारी जो फसल है वो क्या होगी बेटा, बहुत ही अच्छी होगी. ठीक है, यहाँ तक सभी ने नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स? यस मैम. सुनो सुनो मेरी बात, अगर किसी ने नहीं, अगर किसी ने नहीं किया है बेटा, डू फास्ट, जल्दी से नोट डाउन कीजिए ताकि मैं आगे चल सकूं. यस मैम, कर लिया. मैम हो गया. हाँ ठीक है, ओके हो गया, चले अब आगे. यस मैम. अगर सुनो मेरी बात, अगर फॉर एग्जांपल कोई लेट आता है क्लास में, ठीक है, या किसी रीजन की वजह से आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो, तो आप यूट्यूब से जो मैं वीडियोस डालती हूँ आप वहां से देख लिया करो. ओके ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हुआ? अगर कोई भी बच्चा लेट आता है, किसी को कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे पूछ लीजिए. और अगर आपको नोट डाउन नहीं किया है आपने, तो आप यूट्यूब से देखकर नोट डाउन कर सकते हो इजिली. ठीक है, ये समझ आ गया कि हम लोग मेन्यूज को क्यों ऐड करते हैं? यस मैम. ठीक है, yes, चलें आगे. चले आगे. यस मैम. यस मैम. अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारा क्या होगा? हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड कर दिए. अब मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप होगा वो क्या होगा? इरिगेशन. इरिगेशन का मतलब मैंने आपको बताया, हिंदी में क्या होता है इरिगेशन का मतलब? सिंचाई. सिंचाई. ठीक है, अब आप सिंचाई कैसे करोगे? देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोल दिया कि आपको किसी खेत में सिंचाई करनी है, ठीक है, तो इरिगेशन के बेटा आपके पास एक्चुअली जो मेथड होते हैं वो दो मेथड होते हैं. कौन कौन से मेथड होते हैं? एक हमारे पास यू आर राइट, द मेथड फॉर ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कौन सा ट्रेडिशनल मेथड होगा हमारा इरिगेशन का और कौन सा हमारा मॉडर्न मेथड होता है. ठीक है, देखो बेटा इरिगेशन के हमारे पास दो मेथड होते हैं. कौन कौन सा? एक जो हमारा मेथड होता है वो होता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. ओके, और जो हमारा दूसरा मेथड होता है वो हमारा होता है, दूसरा हमारा होता है कौन सा? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. ठीक है बेटा, एक और बात सुनो इधर सारे स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली. आप ऐसा मत करना कि आप सिर्फ और सिर्फ नोट डाउन कर रहे हो, इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो. आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए, आप पहले समझ लो, उसके बाद आप मुझे ये बोलते हो कि मैम हमें लिखना है, हमें टाइम दे दीजिए 2 मिनट का या 3 मिनट का, तो मैं आपको वो टाइम दे दूंगी. ठीक है, बट पहले समझना जरूरी है, तो आप इन चीजों को अच्छे से समझिएगा. देखो अब yes, ma'am. मैंने बताया कि इरिगेशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है मेरा मॉडर्न मेथड, एक होता है मेरा ट्रेडिशनल मेथड. ओके, मॉडर्न मेथड में भी मेरे कितने मेथड्स आते हैं? दो मेथड्स. कौन कौन से मेथड्स आएंगे? एक आता है मेरा स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन. यस, एक मेरा आता है स्प्रिंकलर सिस्टम, और जो सेकंड मेरा आता है स्टूडेंट्स वो मेरा कौन सा आता है? ड्रिप इरिगेशन. ओके, एंड अगर मैं बात करती हूँ ट्रेडिशनल मेथड की, ट्रेडिशनल का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना है रीति रिवाज परंपरा, मतलब जो पुरानी परंपरा होती थी, सुना है ऐसा कुछ? यस मैम. तो
अभी जो ट्रेडिशनल मेथड है वो हमारे कौन कौन से होते हैं? ट्रेडिशनल मेथड मैं आपको बताऊंगी, जो हमारे बता रही हूँ ट्रेडिशनल मेथड में जो बेटा आते हैं वो हमारा होता है मोट, ठीक है। मोट के अलावा जो सेकंड हमारा होता है वो हमारा कौन सा होता है? ढेकली हो सकता है, ट्यूबवेल, ओके, या फिर मान लीजिए चेन पंप सिस्टम। ओके, कौन सा हो सकता है? चेन पंप सिस्टम। एंड लास्ट वन इज जो हमारा होता है वो हमारा कौन सा होता है? रहट। रहट हमारा कौन सा होगा? रहट, ठीक है। एक मिनट, आपको बेटा इनके बारे में मैं बताने से पहले मैं आपको इनके एक बार सिर्फ और सिर्फ डायग्राम शो कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से जो चीजें हैं वो समझ आ जाए। देखो, कीप क्वाइट बेटा, श्योर नहीं, देखो इधर, सबसे पहले मैंने आपको बताया, ये सभी को पिक्चर दिख रही है स्टूडेंट? yes, ये सभी को ये पिक्चर शो डाउन हो रही है? यस मैम, यस मैम, देखो, ओके ओके ओके, फाइन। देखो आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हो, सबसे पहले आप देख रहे हो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। आप इस ट्रेडिशनल मेथड में क्या देख रहे हो, आप सबसे पहले देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल चार मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? चार, जो मैंने आपको बताए, कौन कौन से? मोट होगा, चेन पंप होगा, चेन पंप होगा और रहट होगा, ठीक है। राहत, आप रहट है बेट, एक्चुअली इसको आप राहत भी बोल सकते हो, बट जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अकॉर्डिंग ये रहट होता है, ठीक है। मैं आपको हिंदी में लिख के भी बता देती हूँ, रह है और टे, ठीक है। यहाँ पे देखो मोट, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पुली, सभी को दिख रहा है? यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पुली, ठीक है। एक्चुअली ये जो हमारा पुली वर्ड है इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? चरखी। क्या होता है इसका मतलब? पुली का मतलब क्या होगा? चरखी, ठीक है। अब एक्चुअली, अच्छा सुनो मेरी बात, पतंग उड़ाते हो सारे? यस मैम, उड़ाते हो ना? उसमें आपने देखा होगा एक चरखी भी होती है जिसके दोनों हैंडल्स आप लोग पकड़ के रखते हो, है ना? यस मैम। अब उस चरखी का फंक्शन क्या होता है मुझे ये बताओ, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट पुली, जो आप पतंग उड़ाने के लिए चरखी यूज करते हो उसका फंक्शन क्या होगा? टेल मी मैम, वो पतंग को उड़ने में हेल्प करती है। अच्छा, तो मतलब उसको हम क्या देंगे तब उड़ने में? मैं खाली चरखी आपको दे देती हूँ, ठीक है, और मैं आपको ये बोलती हूँ आप इसके हैंडल पकड़ो और आप पतंग उड़ाओ, क्या उड़ा पाओगे? नो मैम, यस एग्जैक्टली, बहुत सही बोल रहे हैं कि अगर आप क्या राहुल, अगर तुमने आज ड्रॉइंग ड्रॉ करी ना फिर से, तो मैं कल से तुम्हें क्लास में ज्वाइन करना बंद कर दूंगी। आ गई बात समझ में मैम? साउंड साउंड क्लियर नहीं है मैम? क्लियर है। ओके, देखो अभी एग्जैक्टली जैसा मानविक ने बताया, मानविक ने क्या बताया कि आप क्या है, आपके पास एक पतंग है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पतंग है, ठीक है। आप क्या करते हो, इसको एक रस्सी से बांध दिया आपने, ठीक है। अब आपके पास ये जो चरखी होती है, कीप क्वाइट, आपके पास ये जो चरखी होती है इसमें से ये जो थ्रेड होता है ये क्या जाता है? घूमकर जाता है, और तब आप वो थ्रेड अपने पतंग को दोगे तो वो पतंग उड़ेगा, ठीक है। लाइक वाइज मोट सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे आपको ये गाय दिख रही है, सभी को दिख रही है? यस मैम। ये चरखी, ये चरखी सभी को दिख रही है? यस मैम। गाय नहीं है, यस मैम, बैल है, ये बुलॉक से, या तो बफेलो हो सकती है, भैंस, या फिर कैमल, ऊंट वगैरह कुछ भी हो सकता है, काला रंग होता है, ठीक है। अच्छा बताऊं तेरे को, मुझे तो पता ही नहीं था बफेलो का काला रंग होता है। उसके बाद ये हमारा जो है
वो हमारा क्या होता है, एक बकेट। ठीक है, अगर मैं इसको ग्रीन बना दूंगी तो क्या ग्रास ऊपर हो जाएगी? नो मैम। यस मैम। हैं, ग्रास ऊपर हो जाएगी राहुल? सुनो इधर, ये हमारा क्या है, आप एक टाइप से इसको ये समझ लो कि ये हमारा क्या होता है, बकेट होता है, जैसे बाल्टी टाइप में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो हमारी रस्सी है, ठीक है, इससे आप क्या करते हो, ये जो हमारा बकेट है इसको बांधते हो, टाई करते हो, एंड आप जो दूसरा सिरा है रस्सी का उसको किस पे बांधते हो, इसकी नेक पे। दिख रहा है सभी को अच्छे से? यस मैम। देखो, यस मैम, यस मैम। आप क्या करते हो, सबसे पहले ये जो रस्सी है, एक रस्सी जो है वो इस बकेट पे बांध देते हो, और जो दूसरी रस्सी है वो आपने इसकी नेक पे बांध दी। ठीक है, जैसे ही ये बुलॉक जो है ये क्या करेगा, इस रस्सी को खींचेगा, वैसे ही क्या होगा कि हमारा जो घड़ा है पानी का वो क्या आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा, और फिर ये जो फार्मर है ये क्या करेगा, इस बकेट को लेगा अपने हाथ में, और ये इसके खेत हैं, ये इसके फील्ड्स हैं, और ये इस फील्ड में क्या कर देगा, वाटर को डाल देगा। ठीक है, आपको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के पर्पस से बताया है कि कैसे क्या होगा। ठीक है, सभी को आ गया समझ में? यस मैम। अगेन आई विल रिपीट, आपके पास ये डायग्राम यही रहेगा, मैं आपको सिर्फ एक बार वापस समझाती हूँ। अब क्या करोगे बेटा, आपके पास पुली होती है, ठीक है, आपके पास एक चरखी होती है, और आपके पास एक क्या होता है, बकेट होता है, और आपके पास बुलॉक्स होते हैं। आपको जो वाटर है वो कहाँ से लेना है, वेल से लेना है, कुएं से लेना है। अब सबसे पहले क्या करोगे कि जो ये वाला सिरा है जहाँ पे चरखी अटैच है उस पे एक रोप लगी हुई है, इस रोप के दो सिरे हैं, एक रोप का जो सिरा है उसको आप जो बुलॉक्स की नेक है उसके बांध दोगे, एंड जो हमारा दूसरा सिरा होता है उससे आप किसको अटैच कर दोगे, बकेट को। ठीक है, जैसे ही क्या होगा कि ये जो बुलॉक्स की नेक है, ये जो बुलॉक्स हैं, ये क्या करेंगे, इस रोप को अपनी साइड खींचेंगे, तो जो पानी है वो ऊपर आता जाएगा, और इस पानी को अब यहाँ से जो फार्मर है वो क्या कर लेगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये बाल्टी है, यहाँ से ये पानी ले लेगा और इस पानी को अपने खेतों में क्या कर देगा, एक तरीके से डाल देगा। यहाँ तक मोट सभी को समझ आ गया? यस मैम। चलो आगे। यस मैम। ओके फाइन। यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, अब हमें इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं एक बार इसको डिलीट कर रही हूँ। देखो, अब आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल मेथड, आपको मैंने बता दिया मोट। अब मान लो अगर मैं मॉडर्न मेथड में बात करती हूँ स्प्रिंकल सिस्टम की, ठीक है, मैंने बोला कि जो मेरा स्प्रिंकल सिस्टम था, नहीं ना बेटा बातें नहीं प्लीज, स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है वो देखो आप, स्प्रिंकल का हिंदी में मतलब कोई भी बच्चा बता सकता है? छिड़काव। स्प्रिंकल का हिंदी में मतलब क्या होता है? छिड़काव करना। ठीक है, हम जो उनको करते हैं। अच्छा सुनो, अब इधर क्या होगा कि स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपने काफी बार देखा होगा कि छोटे छोटे जो फॉर एग्जाम्पल जो ब्लैक कलर के मोटे मोटे पाइप होते हैं वो हमारे फील्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ही इसमें से पानी फ्लो करेगा, मान लो ट्यूबवेल वगैरह से ये अटैच है, और जैसे ही पानी इसमें से फ्लो करेगा तो इसके ऊपर लगे हुए होते हैं, क्या लगे हुए होते हैं, एक टाइप से नोजल। नोजल मतलब ये पाइप है और इन पाइप के ऊपर नोजल्स लगे हुए होते हैं। ये नोजल्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और जब ये नोजल्स रोटेट करते हैं तो वाटर है ये खुद ब खुद फील्ड्स में क्या हो जाता है, स्प्रिंकल हो जाता है, छिड़क जाता है। यहाँ तक आ गई ये बात समझ में सभी को?
यस मैम। एक बार किसको समझ नहीं आया है? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम। चलो तो देखो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, मे बी आपको शायद बेटर समझ आए। ओके देखो। नो मैम। नो मैम। व्हाट नो मैम? देखो आपको इस डायग्राम से क्या पता चल रहा है? आप इसमें ये देख पा रहे हो ये डायग्राम सभी? यस मैम। आप इसमें क्या देख रहे हो? देखो ये वाले जो हमारे हैं, ये हमारा एक बहुत मोटा सा पाइप है, ठीक है, जो हमने खेतों में डाला हुआ है। ये हमारे खेत है सारे जिसमें हमने ये पाइप डाला है। अब क्या होगा कि इनके बीच बीच में छोटे छोटे पाइप्स प्रेजेंट होते हैं जिनके टॉप पे ये नोजल्स होती हैं, और इन नोजल से जो ये पानी, ये दिख रहा है आपको व्हाइट व्हाइट से कलर का? ये हमारा जो है ये व्हाइट व्हाइट कलर का क्या है? क्या है बेटा? वॉटर है। ये हमारा क्या है? वॉटर। तो आप क्या करते हो, स्प्रिंकलर सिस्टम में ए मेन पाइपलाइन इज लेड इन द फील्ड। सबसे पहले आप एक मेन पाइपलाइन को खेतों में डाल दोगे, उसके बाद इसके परपेंडिकुलर पाइप्स लगे हुए होते हैं जिसपे नोजल्स होते हैं। ये नोजल्स जैसे ही घूमेंगे तो पानी जो है ये इससे स्प्रिंकल हो जाएगा, और हमारी जो सारी फसल है उसको क्या मिल जाएगा? प्रॉपरली पानी मिल जाएगा, ठीक है। मुझे ये बताओ कि अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड अभी यूज कर लूं तो मेरा नुकसान क्या होगा? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड? लॉस ऑफ टाइम। और मानविक क्या होगा? वेस्टेज ऑफ वाटर। मैम ट्रेडिशनल मेथड्स में यूज ऑफ बुलक्स होता है, लेकिन इसमें यूज ऑफ बुलक्स नहीं होता। सो इट सेव्स टाइम इन, सो इट डज नॉट सेव टाइम इन लेबर, एंड इट एंड मॉडर्न मेथड सेव टाइम इन लेबर। यस। और वन मोर, वाटर जो हम बोल रहे हैं वेस्टेज वाटर। यस एग्जैक्टली। हमारे पास दो पॉइंट हैं। क्या क्या? कि सबसे पहली बात बेटा कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता था ना, उसमें आप लोगों ने खुद देखा है कि ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहली बात तो ये होती थी कि टाइम बहुत ज्यादा लगता था, ठीक है, मोर टाइम इज नीडेड। एंड ज्यादा टाइम लगता था उसकी भी चलो बात छोड़ो, टाइम के साथ साथ हमें क्या चाहिए होते थे? बुलॉक्स चाहिए होते थे। लेकिन और ट्रेडिशनल मेथड में आपने सेकंड ये भी देखा होगा कि यहाँ पे जो वाटर होता है वो क्या होता है? वेस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट। लेकिन अगर आप बात करते हो मॉडर्न मेथड की, जैसा कि मैंने आपको बताया मॉडर्न मेथड, तो मॉडर्न मेथड में क्या होता है? सबसे पहली बात तो जैसा मानविक ने बोला कि इट सेव्स टाइम एंड लेबर। जो सबसे पहली बात ये है कि जो हमारा मॉडर्न मेथड है वो हमारा टाइम भी बचाता है, समय भी बचाता है, और लेबर भी। सेकंड चीज ये होती है कि हमें इसमें कोई ब्लॉक्स वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। एंड उसके बाद मॉडर्न मेथड में हमारा जो पानी है वो हमारा वेस्ट नहीं होता। तो वाटर इट डज नॉट वेस्टेड। कि जो वाटर होगा वो हमारा जो इस वाले सिस्टम में बिल्कुल भी जो वाटर है वो वेस्ट नहीं होगा। क्यों वेस्ट नहीं होगा? क्योंकि नोजल में से बेटा जो पानी स्प्रिंकल हो रहा है वो बहुत ही कम पानी ऐसा होगा जो बाहर जाएगा, अदरवाइज वो सारी क्रॉप्स पे इजिली क्या हो सकता है? स्प्रिंकल हो सकता है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? स्टूडेंट इफ यू हैव एनी डाउट देन आप मुझसे पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। No, ma'am. आगे इरिगेशन के बाद आप क्या करते हो बेटा? काफी बार क्या होता है कि जो आपकी क्रॉप होती है, ठीक है, उस क्रॉप के साथ साथ आपके बहुत अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। वो जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वीड्स। अब हमें क्या करना है?
फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अब जो मेरी वीड्स ग्रो कर गई हैं, अब मुझे इनको रिमूव करना है, तो मेरा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? रिमूवल ऑफ वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स। लिख लिया यहाँ तक कि जो प्लांट एक्चुअली अनवांटेड प्लांट हमारे जो हैं, जो हमारी क्रॉप के साथ ग्रो कर गए, वो हमें नुकसान क्यों कर रहे हैं? देखो, सबसे पहली बात ये होती है कि सबसे बात तो वो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि वो जो हमारी सॉइल से, मान लो फॉर एग्जांपल वाटर है, जो भी न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो अगर वो सारा ले लेंगे तो हमारी क्रॉप जो है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करनी पड़ती है, रिमूव करनी पड़ती है वीड्स को। अब ठीक है, आपने वीड्स रिमूव कर दी, आपका सारा प्रोसेस हो चुका, आपने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद सीड्स की शोइंग कर दी, मेन्योर डाल दिए, फर्टिलाइजर डाल दिए, सिंचाई कर दी, वीड्स रिमूव कर दिए। अब उसके बाद आपका प्रोसेस क्या होगा फसल की? हार्वेस्टिंग। कल भी मैंने आपको बताया था बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग? कटाई। ठीक है, ठीक है। अब आपने हार्वेस्ट कर दिया, और मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा होता है कि आप हार्वेस्टिंग करके अपने खेतों में ही फूड को स्टोर कर लेते हो? नो मैम, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई भी जो फार्मर होता है वो अपने जो फूड ग्रेन है उसको कहाँ पे स्टोर कर सकता है? टेल मी फास्ट। मैम, गनी बैग्स एंड सिलोज, मेटल बीन्स, गनी एंड सिलोज, मेटल बीन। बेटा मैंने पूछा है, सुनो मेरी बात, एट होम। अरे होम पे तो करेगा, लेकिन होम पे सारे कमरों में यूं ही थोड़ी ना बिखेर देगा, किसी में डाल कर तो रखेगा। मैम, गनी बैग्स, यस, गनी बैग्स में रखेंगे, या फिर मान लीजिए मेटल बीन्स। सभी के घर में गेहूं की टंकी, हाँ, सभी के घर में टंकी होगी ना गेहूं डालने वाली, ठीक है, स्टोरेज करेगा। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स, लिसन टू मी, अगर मान लीजिए आपको लार्ज स्केल पे स्टोर करने हैं, तो आप क्या करते हो, किसमें करते हो? सिलोज में करते हो। अगर आपको लार्ज स्केल पे फूड ग्रेन्स को स्टोर करना है, तो आप किसमें स्टोर करके रखते हो? सिलोज में स्टोर करके रखते हो। ओके, एक्चुअली सिलोज में रखने से क्या होता है, अगर मान लो हमने गनी बैग्स में रख दिए या सिलोज में रख दिए, तो एक ऐसी चीज है जो आप चाहे कहीं भी रख लो गेहूं को, वो जरूर आके काटेगी, और वो हमारे क्या है? चूहे। ये पहुंच जाते हैं। अब हमें अपनी फसल को कटने से बचाना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इन रेट्स पे, कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे जिससे ये मर जाएंगे? पेस्टिसाइड सॉल्यूशन। यस, हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे गनी बैग्स होते हैं, हम उनपे क्या करते हैं बेटा, एक सॉल्यूशन डालते हैं, एंड दैट सॉल्यूशन इज नोन एज पेस्टिसाइड सॉल्यूशन, ठीक है। आप पेस्टिसाइड सॉल्यूशन डाल दोगे, तो उसकी वजह से जो भी हमारे रैट्स हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, पेस्टिसाइड सॉल्यूशन का फंक्शन क्या होता है? टू किल द रैट। सबसे पहली बात, इसका फंक्शन क्या होगा कि जो भी हमारे पेस्ट हैं, जैसे रैट वगैरह जो आ गए हैं, वो जो हमारे हैं, ये क्या हो जाएंगे बेटा? हमारा लेक्चर अब ओवर होने वाला है, तो आप ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर यहाँ से नहीं कर पाए हैं तो आप लोग यूट्यूब से कर लीजिएगा। आ गई सभी को बात समझ में? ओके फाइन, ओके मैम, ओके बाय बाय बेटा, यहाँ तक से मैम समझ, बाय बेटा, बाय एवरीवन, ओके ओके, बाय 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 बेटा, बाय। होमवर्क, सुनो मेरी बात, होमवर्क बेटा,